सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में रोजगार विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद और रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। इस मेले का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के मकसद से श्रम एवं रोजगार विभाग के जरिए समय समय पर इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, ताकि बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि इस मेले में करीब 2500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें औद्योगिक क्षेत्र कालाम, बद्दी और ऊना से कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां पहुंची है। देखिए, जहां तक प्रदेश में कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी प्रदेश में नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है उनका जो हाउस है वो बहुत उसमें डिवीजन है और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट ज्यादा हैं, आपस में आपने कई जगह देखा। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। प्रतिभा सिंह जी नहान आई थी, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस के लोगों ने यहां पर किया, कितनी फूट कांग्रेस के लोगों के बीच में है। और शिमला बैठक हुई, वापसी में क्या हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। ऊना में मंच पर कांग्रेस के लोग आपस में भिड़ गए, मुकेश अग्निहोत्री जी बोलने लगे कि ऊना में कोई दिक्कत नहीं है, ऊना में टिकट का जो है अपने एक उसका व्यक्ति है व्यक्तिगत उसके बारे में बोल रहे थे। तो जब कांग्रेस की ऐसी हालत है, क्योंकि इन्होंने काम तो कभी किया नहीं, विकास के नाम पर ये लोगों से वोट नहीं मांग सकते, इसलिए देश की सरकार ने बेहतर काम हिमाचल प्रदेश में किया है। कल की कैबिनेट की बात कर रहा हूं आपके साथ, 3 पीएससी नाहन विधानसभा क्षेत्र की जिनको सीएससी का दर्जा मिला, कोटा में एक बीएनडीआर का सब डिवीजन नया पुरवाला खोड़ावाला में कैबिनेट में मंजूरी मिली, डीएसपी ऑफिस शिलाई में खुलेगा उसको मंजूरी मिली, कोटा के 3 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, एक प्राइमरी मिडिल प्राइमरी से मिडिल स्कूल को राजपुर को मिडिल स्कूल का दर्जा मिला। तो आप स्वयं देखते हैं, आज जिला सिरमौर में 3 इलेक्ट्रिकल के डिवीजन थे, नाहन में, कोंटा में, राजगढ़ में, हमने शिलाई, संगड़ा और सराह में 3 नए डिवीजन खोले हैं। जबकि हमेशा जिला सिरमौर का समर्थन पिछले 2 चुनाव को छोड़ के हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस ने हमेशा जिला सिरमौर के लोगों को इग्नोर किया, कॉलेज तक नहीं दिए जिला सिरमौर के लोगों को, कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिए, जिला सिरमौर के पिछड़े लोग पिछड़े रहे, अच्छी सड़कें नहीं दी। आज जिला सिरमौर आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हम जिला सिरमौर से भी 5 की 5 सीटें जीतेंगे और सुनिश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। सिन्हा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिछले 12 सालों से देश प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यवसायिक कोर्स चलाने के बाद अब सिन्हा कॉलेज में 4 वर्षीय बी फार्मेसी कोर्स, 3 वर्षीय एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज के जरिए अपना करियर संवार सकते हैं। आपको मिलेगी उच्च स्तरीय लैब, लाइब्रेरी, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, अलग हॉस्टल सुविधा के साथ खेल की कई प्रतिस्पर्धाएं एक ही कैंपस में। कृपया संपर्क करें सिन्हा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, NH 21, सुंदरनगर, नौलखा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आप इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं।